हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 6 सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका हिंदी का पेपर आने वाला है, ऐसे में जो मुहावरे और लोकोक्तियां हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 20 से 25 इंपॉर्टेंट मुहावरे तैयार कर लेते हैं तो ये 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो मैंने 5 मुहावरे लिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं और अब तक सबसे ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है, मुहावरे लोकोक्तियों में शायद आपको पता होगा कि इसमें आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से इनका अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो मुहावरा दिया गया इसका अर्थ आपको लिखना है और वाक्य प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 6 महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ेंगे। ऐसे ही मैं आपको वीडियो बाई वीडियो आपको इम्पोर्टेंट मुहावरे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए इसमें होगा क्या, जैसे दिया रहेगा अंधे की लाठी, ठीक है। अब अंधे की लाठी दिया गया है तो इसका अर्थ आपको आगे लिख देना है, ठीक है, ब्रेकेट में। इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, ठीक है। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। अब आपको करना क्या है, इसका वाक्य प्रयोग करना है, यानी कि जो अंधे की लाठी है उसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, वाक्य प्रयोग। तो चलिए करते हैं हम लोग। यहाँ पर वाक्य प्रयोग में आपको करना क्या होगा, इस तरह कीजिए कि अंधे की लाठी जो है वो उस वाक्य में आ जाए। जैसे देखिए, यहाँ पर हम करते हैं मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ठीक है। तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसमें वाक्य प्रयोग में हमने किया क्या, जो आपका अंधे की लाठी है उसको इस वाक्य में देखिए प्रयोग कर दिया, इसी को हम कहेंगे वाक्य प्रयोग। इसी के लिए आपको मार्क दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मोहन अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी था, ठीक है। तो हमने इसका अर्थ भी दिया और वाक्य प्रयोग भी कर दिया। ऐसे हम सभी का करेंगे, लेकिन सभी अलग अलग हैं। जैसे देखिए, सेकेंड आपका है अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। इसका मतलब है स्वार्थ सिद्ध करना, इसका अर्थ हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। अंधे अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अब इसका भी वाक्य प्रयोग हम करेंगे तो वाक्य प्रयोग, ठीक है। इसको भी अपना उल्लू सीधा करना जो है इसको भी हम किसी वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, इसका भी, ठीक है, वही आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए, वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, जो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं कि आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है, अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना वाक्य प्रयोग हो जाएगा। आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो आपका उल्लू सीधा करना है ये वाक्य भी प्रयोग हो चुका है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं। तीसरा देखिए आपका है, ऐसे आपको समझ में अभी आ जाएगा। तीसरा है आँख दिखाना, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होगा, आँख दिखाना का, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा धमकाना, यानी कि किसी को धमकी देना, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं सेम इसी तरह, आपको जितने भी दिए रहेंगे जितना आपको करना होगा इससे आपको हेडिंग डालकर करना है, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग, अब इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं धमकाना। देखिए, वह मुझसे 500 रुपये, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 500 रुपये उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, ठीक है, से मांग कर
ले गया। अब जब मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है, ठीक है, आंखें दिखाता है, ठीक है। तो देखिए आंखें दिखाना, इसमें आपका वाक प्रयोग हो चुका है, ठीक है। यदि कि धमकाना, देखिए वह मुझसे 500 रुपये उधार तो बड़ी नम्रता से मांग कर ले गया, अब मैं मांगता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है, ठीक है। यानी कि जब खुद को मांगना था उधार तो बहुत अच्छे से बोल कर ले गया, ठीक है, और जब उधार देना पड़ा तो बहुत आंखें दिखाता है, यानी कि धमकाता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हमारा है, चौथा है कि ईद का चांद होना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ईद का चांद होना अर्थात इसका अर्थ क्या होगा, अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, अधिक दिनों में दिखाई देना, में दिखाई देना, ठीक है, अधिक दिनों में दिखाई देना। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग इस काम कैसे करेंगे, तो देखिए अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। तो भाई राकेश जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। देखिए ईद का चांद आपका इस वाक्य में आ गया। देखिए भाई राकेश जब से तुम डॉक्टर बने हो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि जब से तुम डॉक्टर बने हो दिखाई नहीं दिए हमें, ठीक है, बहुत अधिक दिनों बाद दिखाई देना। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। पांचवा इंपॉर्टेंट हमारा है, तो पांचवा हमारा है ऊंट के मुंह में जीरा, ठीक है, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका अर्थ क्या होगा, अति अल्प साधन, अति अल्प साधन, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होगा अति अल्प साधन। जैसे ऊंट इतना बड़ा होता है उसके मुंह में जीरा, ठीक है, कुछ नहीं है, उसी तरह इसका अर्थ होगा अति अल्प साधन। अब इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देखिए गुजरात, गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए दो चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ठीक है, जीरे के समान है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, ऊंट के मुंह में जीराने की अति अल्प साधन। वाक्य प्रयोग में देखिए गुजरात की प्राकृतिक आपदा से पीड़ित जनता के लिए 2-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यानी कि इतना ज्यादा बड़ा आपदा आया उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ, तो 2-4 लाख रुपए अगर सहायता भी कर दे सरकार सभी का तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब छठवां इंपॉर्टेंट मुहावरा हम लोग देखते हैं, लास्ट हमारा है 9-2-11 होना, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, आप लोगों को पता होगा, ये सुना भी होगा, भाग जाना, ठीक है, तो भाग जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग कर देते हैं, वाक्य प्रयोग, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग में आप लोगों को क्या लिखना है, 9-2-11 होना, यानी कि चोर पुलिस, ठीक है, चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गए, ठीक है।
तो 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। तो देखिए चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गए, यानी कि चोर ने जब पुलिस को देखा तो वो भाग गए। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको 6 महत्वपूर्ण मुहावरों को पढ़ाया जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये सब रिपीटेड है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्योरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएँ।